है कॉस्टली. लुक एट हिज फेस मैन. पक्का जाना है. कायदे कानून कनाडा के. डिड यू आस्क हिम अबाउट हिज प्रोफेशन? लेट्स गो गाइस. व्हाट? वेट मैन, आई एम सैटिस्फाइड विद दिस वन. सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड काफी अच्छे लग रहे बाल. बस इस वीडियो के अंत तक काफी अच्छे लग रहे थे बाल, हो जाएगा क्योंकि कनाडा में बहुत सारी फर्स्ट टाइम चीज़ें करने के बाद फाइनली आज 8 महीने हो चुके हैं हमको कनाडा में आए एंड आज फर्स्ट टाइम हम कनाडा में जा रहे हैं हेयर कट के लिए. ऐसा कुछ नहीं है कि कनाडा में हेयर कट बहुत कॉस्टली है इसलिए बाल नहीं कटा है कॉस्टली. लुक एट हिज फेस मैन. तो ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ थोड़े से कॉस्टली है, लेकिन वो मेरा रीज़न नहीं है बाल कटा ना कटाने का. Just $20. तो मैंने सोचा कि अब जब हम जा ही रहे हैं तो मैं आपको हेयर ड्रेसिंग या फिर बार्बर या फिर सैलून एक्सपर्ट जो भी आप कह लो उसकी यहाँ पर डिमांड या फिर उसकी यहाँ पर जॉब्स या फिर उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो सब क्या है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे आज. एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हेयर कट कैनेडा में कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसको हर बार इंडिया की प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको कॉस्टली लगेगी. बट यहाँ के प्राइस के हिसाब से काफ़ी नॉमिनल रेट्स होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉस्टली है. सो ऐसी टेंशन आप मत लो अगर आ रहे हो कनाडा. सो फाइनली चलिए चलते हैं और करते हैं इस वीडियो को शुरू एंड देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसा सब सीन चलता है यहाँ पे. कोई नहीं, ऐसे सोचा नहीं था कि बाल कटाएंगे इतनी जल्दी. जल्दी नहीं है, 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत सारे पीयर प्रेशर्स आ रहे हैं घर से और सब जगह से. सो अभी कटवाने पड़ेंगे फाइनली. पक्का जाना है? मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा. देख कितने सारे मस्त आ गए छोटे आगे पूरे. कोई नहीं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं. सीट बेल्ट ब्रो, सीट बेल्ट. कायदे कानून कनाडा के. ऊपर मारे पैर में भी तार तो चाल ले एमना चालू. हां तो नहीं पैर तो पैर ले पैर ले ना पैर बांधो नहीं बांधो. कहां जाना, कहां बाल कटाना? मिलानो इटालियन के साउथ इंडिया. ही इज बेसिकली इराकी आई गेस. नाम से इटालियन लगा हुआ है. आई नो राइट. मिलानो इज ऑब्वियसली इटालियन. दैट इज द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम. दैट इफ यू आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट यू हैव आस्क्ड हिम ऑलरेडी एवरीथिंग देन व्हाट विल आई कवर इन द वीडियो मैन. Did you ask him about his profession? I did. I asked him if you're Middle Eastern. Hamare viewers kaun se question? If you're Middle Eastern, why would you name your shop Milano? He was like, it attracts more customers. Oh, just like we are going right now. Exactly. So anyone in Windsor, Milano. Milano is the place, guys. आ गया स्वाद. कैसी चल रही है गड्डी? कह रहा है कार का एक रिव्यू देना है मेरे को, तो उसका व्लॉग मैं सोच रहा हूँ आगे. लेकिन अगर मेरा फर्स्ट कार वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो. और ये शॉर्टकट लेते हुए. शॉर्टकट नहीं है भाई, ये पीछे वाला रास्ता. नो, यू आर जस्ट स्किपिंग सिग्नल्स. आई एम स्किपिंग सिग्नल्स. ये पार्किंग की बहुत जफा मारी है यहाँ पर, सब जगह पे पार्क. तो दोस्तों आप कमा तो लोगे कनाडा में, लेकिन आधे पैसे तो आपके पार्किंग में ही जाने हैं. अभी दिखाता हूँ मैं आपको पार्किंग का क्या सीन है. हमारी यूनिवर्सिटी वाले देते हैं यूनिवर्सिटी पार्किंग पास, बट वो लाइक जो हमारा कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसके पार्किंग के लिए. एंड उसके अलावा बस पास मिलता है हमको $150 में 2 semesters, which is quite cheap. Really cheap. भाई हमारे बस में आते जाते कितने टाइम से बस में नहीं बैठे? तीन महीना. गाड़ी आ जाने के बाद मज़े. यूनिवर्सिटी का तो स्टूडेंट पास मिलेगा वो 150 में हो जाएगा. हाँ 4 महीने या 8 महीने? 2 sem bro. दैट इज 8 months. Yeah. अगर आप ऐसे ही निकलवाने जाओगे बस पास ट्रांसिट वेंसर से
तो आपको $70 में पड़ेगा, $70-$80 में आपको एक महीने का फॉर वन मंथ। या तो डेफिनेटली आप कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो, एक बार स्टूडेंट सेंटर में जाके पूछ लेना, कोई ना कोई कम्यूट पास की सिस्टम होगी, वो अवेल कर लेना। आ गया भाई अपना मिलानो, पार्किंग की सिस्टम समझा। फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग थ्रू बस, तो वो बस पास ले लेना। या यू हैव ब्रोकन द कोड भाई, बोल रहे बिना रूल के आप रोड, बिना रोड क्रॉसिंग के आप क्रॉस कर लो और कोई ठोक जाए तो आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, आप फोटोशॉप करके कुछ भी करके करो, रूल आप तोड़ रहे हो। लेट्स गो व्हाट, वेट मैन, मार्केटिंग, मार्केटिंग, मिलानो बार्बर शॉप, चलो चलते हैं गाइस। Afford that much of price, small house for 500,000-600,000. So it's all done, guys, and yeah, definitely Milano is the place you should go. अगर आप विंटर में हैं तो काफ़ी सही है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस वन एंड आई होप सो। मेरे अब्बू जान जो काफ़ी दिनों से नाराज़ थे वो भी खुश होंगे। कोई नहीं, जस्ट सो या हेयर ड्रेसिंग की जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने उनसे काफ़ी बातें की। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि विल इट बी गुड लाइक इफ आई रिकॉर्ड यू, बट ही वॉज अ बिट ऑफ अ शाई पर्सन, सो ही सेड दैट ट्राई नॉट टू टेक मी इन द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड दैट्स इट। इसलिए मैंने उनके साथ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, बट मैंने उनसे बात की काफ़ी। तो ये पता चला कि हेयर ड्रेसिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे सर्टिफिकेट्स चाहिए। सो आके तो पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, वैसे उसका अलग से कोर्स आता है। सो आप वो कोर्स सेलेक्ट करके आ जाओ, उसका सर्टिफिकेट ले लो। एंड फिर उन्होंने ये भी बताया कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा लाइक सर्टिफिकेट्स बढ़ते जाएंगे, राइट। वो आपके हालांकि इसका कोई काम नहीं है, वो आपके सर्टिफिकेट में जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा, सो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि एज अ हेयर ड्रेसर अगर आप प्रोफेशन देख रहे हो कनाडा में, तो उसके लिए अपने को चाहिए होंगे सर्टिफिकेट्स, एंड वो सर्टिफिकेट्स जो पहले से वैलिड हो। तो उसके लिए तो दो चीज़ कर सकते हो, आप इंडिया में ही ट्रेनिंग ले लो एंड कोई अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लो जहाँ के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वैलिड है। एंड ऑन दी अदर हैंड या तो आप यहाँ पे आओ तो वो प्रोफेशन या फिर वो कोर्स वही सिलेक्ट करके आओ जिसमें हेयर ड्रेसिंग या फिर हेयर स्टाइलिंग ऐसा कुछ हो। मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, बट जितना मैंने उन प्रोफेशनल से पूछा तो उन्होंने ये चीज़ बताई मुझे। एंड या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे कोई और कोर्स लेके आ जाओ, वो करते रहो और साथ में हेयर ड्रेसिंग या हेयर स्टाइलिंग का कोर्स अलग से परस्यू कर लो अगर आपका पैशन है उस चीज़ में। एंड अगर मैं पैसे की बात करूँ तो हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो मंथली फिक्स्ड पे पे ही होता है। उसके अलावा जो होता है कि पर हेयर कट उनको थोड़ा सा कमीशन जैसा मिल जाता है। सो डेफिनेटली एक नेटवर्क मैटर करता है यहाँ पे कि आपके पास कितने लोग आना चाहते हैं, वो तो हर जगह पे ऐसा ही रहेगा थोड़ा सा। सो ये चीज़ एक है। बाकी इस प्रोफेशन में भी हाँ, डेफिनेटली वेजेस काफ़ी हाई है यहाँ पे। रफली $25-$30 जाते हैं उनके वेजेस अगर हम पर आवर में कैलकुलेट करें। बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन दिस, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे तो ही वो रिटेन करेंगे, वरना डेफिनेटली वो लोग दूसरे बंदे ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। सो यार कुछ ऐसे हिसाब है। सो आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है फर्स्ट हेयर कट के अलावा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे अगर वो कनाडा में आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं जी थोड़ा नाना थे गया था, ये कटवाने का रीज़न पता है, नेक्स्ट वीक वी आर ऑन अ ट्रिप। Yeah, I cannot travel. You have to wait for the next vlog. But definitely we are on a trip and this is the reason why I have to just chop it off. So stay tuned guys, agle video mein aa jayega. Kitne 1200 rupaye ke baal katae, 1200 rupaye ke $20 that's it bro. Ye waise nahi waise bolte, 1200 rupaye ke baal hai bhai, isme tera pura ek ghante ka salary jayega. Ek ghante ka salary jayega kya? So you are getting $50, you are getting $20 an hour. No man.
उसका अलग से यार, तुम सब कुछ ऐसे बोल दोगे तो लोग दूसरे वीडियोस में आएगा वो सब यार, सारा जॉब डिस्क्रिप्शन सारा कुछ डालना है माय ना रीटेक रीटेक. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, एंड दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर हेयर कटिंग इन कनाडा. डेफिनेटली जब हेयर कटिंग की बात आती है तो इट्स हार्ड टू ट्रस्ट एवरी बार्बर, एंड बैक इन इंडिया एक बंदे के साथ ऐसे सेट हो जाता है तो आप कुछ भी हो यू ऑलवेज गो टू दैट प्लेस. सो अभी तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है हेयर कटिंग की, उसके बाद एक फर्म जगह पे आएंगे, बट आई फाइंड दिस मिलानो प्लेस इन विंडसर इट्स वर्थ टू विजिट. आप अगर सोच रहे हो तो आप जा सकते हो, एंड दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो. अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे ब्लेस्ड कीप स्माइलिंग.